किया, हमने नारे लाने शुरू कर दिए, जय उदा जय चौटाला जय खट्टर जय मोर। बदरा बोलिया बदरा तो नट है, धान बोलिया धाना तो नट है, क्यों बोलिया क्यों तो नट है। अरे खगड़ो यो तो बता दो बोवा के आंदोलन तो हमने के मिले आई थी 8 बिंदिया में। ये सवाल जवाब हमारी बैठकों के अंदर चल पड़े हैं कि 8 बिंदिया हो गया हमने मिलिया के। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 8 बिंदिया में हमने मिलिया के, यह है मूछ की लड़ाई, कह तो मोदी की मूछ प्राण रहेगी, कह किसान की रहेगी। सबसे पहले तो मेरी माताएं यहाँ पहुंची हैं, मेरे बुजुर्ग जो पहुंचे हैं, मेरे नौजवान साथी जो पहुंचे हैं, आप सबको हाथ जोड़ के राम। उसके बाद जो पंजाब से बहन आई है, मेरे हरियाणा के अंदर मेरा गांव है पुराना गुराना के अंदर, मैं आपका हरियाणा की तरफ से स्वागत करता हूँ। ताई कंजलाली जो आजकल मशहूर है, बहन रिमन नैन, भाई प्रदीप खेदड़, भाई काला गामड़ा, भाई रवि ब्याणा खेड़ा, भाई सुनील बगाना ताए हैं, और पूरे गुराना गांव का मैं धन्यवाद करना चाहूँ जो टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी मजबूती के साथ बैठा है, आपके आपकी झोपड़ी के अंदर भी जान का सूत बैठा है, भाई सोनू का, भाई सत्यवान का, और तमाम साथी जिनका मैं बुजुर्गों का नाम नहीं जानता, आप सबके संघर्ष की बदौलत ये आंदोलन चल रहा है। ये किसी नेता की या किसी संगठन की बदौलत नहीं चल रहा, ये गाम राम बूढ़ेगा है, गाम राम हुआ है, वो गाम राम नुए हुआ है। 8 बिन्ने हो गए, आज भी आपके टेंट में जाके बैठा हाँ तो माल पूरे खाण में ठियाऊ है, काम राम होया नहीं इस गर्मी का सीजन में, क्योंकि काम ने सहयोग कर रखा है, 36 बरादरी का सहयोग तो चल रहा है, और इस आंदोलन का तोड़ भी सरकार पे इसलिए नहीं हो रहा, ये मात्र एक आंदोलन ही है, ये कम से कम 2000 गांव वहां बैठे हैं, उनका अलग से धरना है, अलग से खाने पीने की व्यवस्था है, अलग से खर्चा करें, अलग से साथी बैठे हैं, उनको कैसे उठाया जा सके, विकास चित्र को बहकाया जा सकता है, उठाया जा सकता है, लेकिन गुराना को नहीं उठाया जा सकता वहां से। इसलिए यह आंदोलन इतनी मजबूती के साथ चल रहा है, दुनिया की कोई ताकत इस आंदोलन को हरा नहीं सकती है, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आपको बहुत ज्यादा समय है बैठे, बहुत ज्यादा समय से बैठे हो, 2-3 बात मैं आपसे करना चाहूंगा। एक बात तो ये करना चाहूंगा, कई साथी निराश हो गए हैं कि आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है, आंदोलन तो हमने के मिले आई थी 8 बिंदिया में, ये सवाल जवाब हमारी बैठकों के अंदर चल पड़े हैं कि 8 बिंदिया हो गया हमने मिलिया के। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 8 बिंदिया में हमने मिलिया के, इस आंदोलन से पहले किसान शब्द मर गया था, किसान तो मर गया था, किसान का बेटा, हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाया करते तो हमने शर्म आने लगी थी, हमें किसान का बेटा कंध्यानी भाई कितने मुँह बताया जाए, मैं किसान का छोड़ा। आज DCSP ऑफिस में जाके देखोगे, वहाँ भी DCSP अपना DC होने की बात पाठ से बता हुआ है, पहले मुँह बता हुआ है SP भी सार का, भाई मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान को जिंदा कर दिया अपना 8 महीने के आंदोलन, जो किसान की हालत एक मतलब कि कुत्ते वर्गी हो रही, कोई नहीं पूछता था उसमें, ना कोई MLA पूछता था, ना कोई अफसर पूछता था, ये इतनी मालाएं लेकिन 24 साल के बातों के गलते रहा करते, 70 साल के बूढ़े उनके पाया का हाथ लांदे, सही याद आपके इस आंदोलन ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल का MLA है BJP का, बाहर कैद की माताओं के सामने माफी मंगवाई, 10 मिनट पहले ही घटना बताऊं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जितने बड़े बड़े मंत्री हैं उनने लेकड़न ने रास्ता नहीं पांदा, आज खुले तौर पर किसान जाके जड़े जी करता हो, यूनिवर्सिटी में जाना हो, SP ऑफिस में जाना हो, DC ऑफिस में जाना हो, थाना के अंदर हमने गांव बहन थी तुम्हारा देखा हुआ थाने के अंदर, जो हमारे भीतर में जो खौफ था, जो हमारे दिमाग के ऊपर साइकोलॉजिकल था, जो इफेक्ट था कि ये राजनीतिक लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, जो हमारे नूत आयो SPI DC है, वो सारा डर और भरम, वो सारा
सारा डर और भरम इस 8 महीने के आंदोलन ने काट दिया। आज हम निसंकोच यकीन है कितने भी घुमा हा किसान का झंडा यो रवि वाइला रहा है बयाना खेड़ा वाला नहीं निकालती घूमया किसान का झंडा का कोई टोल टैक्स काटनिया नहीं है। सलाम करके लकड़न दें, एक तो हमारा मान सम्मान बढ़िया है, केवल देश में नहीं विदेशों के अंदर देखोगे आप, इंग्लैंड की संसद के अंदर भारत देश के किसान किस जगह चला रहा है, इंग्लैंड के संसद, इंग्लैंड की संसद के अंदर, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है दी डॉन, उसके मेन पेज के ऊपर भारत के किसान का जिक्र हुआ, सारा का सारा पेज भरा हुआ है। कनाडा का प्रधानमंत्री आपके पक्ष में बयान देता है, जर्मनी के अंदर आपके पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा लिख रहा है, हॉलैंड के अंदर आपके पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा लिख रहा है। आपने 8 महीने के आंदोलन के दौरान पूरी दुनिया के किसान को और मजदूर को लड़ना सिखा दिया, ये आपकी 8 महीने की जीत है। अगर कोई पूछे तो उसको ये बात बताना कि इस देश से जात पात और जमात को खत्म कर दिया, 36 बरादरी की रोटी एक तोवे के ऊपर कुएं टिकरी धरने बचा के दी, 6 धर्मा की रोटी एक तोवे के ऊपर कुएं, पहली बार देश से गोया, पहली बार जो भाईचारा था नहीं तो गामा की थ्याई में 4 आदमी इकट्ठे नहीं हुआ करते, आज पुराने की थ्याई भरी खड़ी है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा प्रेम वापस लौटा दिया इस किसान आंदोलन। ये छोटी छोटी जीते हैं जिनका परिणाम बहुत बड़ा है, और इन जीतों की बदौलत ही हम जो आखिरी की जो आने वाली जीत है उसको भी निश्चित तौर पर जीतेंगे। मैं युवाओं से विशेषकर निवेदन करना चाहूँगा, जो नौजवान साथी खड़े हैं भाई, आपकी भागीदारी ना बढ़ाओ, ये जो फोन लेगा कहीं ना पत्रकार बन जाओ, अपने अपने मीडिया अपनी निगरानी इसमें इसका उपयोग करना सीख जाओ। 2-3 महीने के अंदर, लास्ट टाइम बताऊं, 2-3 महीने तो 2-3 महीने के अंदर इस आंदोलन को जीतांगे, निश्चित तौर पर जीतांगे। किसी ने घबराने की, किसी ने उदास होने की जरूरत नहीं है, और ये केवल काले कानून वापसी का आंदोलन नहीं है, यह बात भी समझने की जरूरत है। यह है मोदी के लिए सीधी टक्कर, यह है मूछ की लड़ाई, कह तो मोदी की मूछ उपरान रहेगी, कह किसान की रहेगी। जब मोदी की मूछ तो उपरान रहेगी, किसान बोया नहीं जाता है, और जब किसान की मूछ उपरान रहेगी चाहे सरकार को या जियो, किसान के खिलाफ जो कलम चल लगी ना उसका हाथ कामेंगे, हाथ कामेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। 300 सांसदों की सरकार को हराने के लिए अगर 1 साल लग गया, इनने 100 साल में पार्टी खड़ी करी, और 100 साल में जाएगी इनका सत्ता में 300 सांसद आए हैं, और उन 300 सांसदों ने अगर 1 साल में आके घेर लिया, जीत बड़ी हुई भी नहीं हुई। तो इसलिए आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ यो भाईचारा बनाए रखना है, इसे भरम भ्रांति में नहीं पड़ना है, और अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देना है। सारे में मोटी कमी आ रही है, मारे बालकों के ऊपर हमने तसल्ली नहीं, जैन तो जरूर दिया, यो बालक पैदा तो जरूर कर दिया, लेकिन इसकी भविष्य की तसल्ली को नहीं, इससे की माँ इससे का बाबू इसने कह देगा सटिया जन बेटा मैं बेमाता आई थी, अंतरी किस्मत में लिखगी खेती करना मजदूरी करना, ये भरम हमने छोड़ने पड़ेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा ये है कि ये आने वाले समय में यो छोड़ा हम नहीं, जो आज राजनीति करने की बात करें ना वो महत्वाकांक्षी स्वार्थी आदमी है, लेकिन अगर ये बच्चे राजनीति करेंगे ऐसी पीढ़ी ऐसी सीढ़ी हम लागे जावांगे, जिस सीढ़ी के ऊपर ये बच्चे चढ़के इस देश को चलाओगे, इस उम्मीद के साथ इस हौसले के साथ हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी पीढ़ी तो बलिदान में जागी, हमारी पीढ़ी तो इसमें खपेगी, और बलिदान देना पड़ेगा किसी ने तो। नीम जो है मकान की, नीम की कदे दिखा बार, लेकिन सारा मकान नीम की ईंट बोझ होता है, वहाँ कदे उसका चेहरा नहीं चमकता, वहाँ नीम की ईंट कदे अखबारा में नहीं आंदी, ना वहाँ कदे एमएलए मंत्री बन दी, नीम की ईंट बनने खातर हमने तैयार होना पड़ेगा, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, मेरे से जो बड़ी पीढ़ी के लोग हैं, नीम की ईंट हम बनेंगे, और हमारे ऊपर ये जो बच्चे हैं उनके लेंटर लगा के मकान बिल्डिंग तैयार करेंगे, और उस मकान के अंदर इस देश की सरकारें चलेंगी, ऐसी उम्मीद और हौसले के साथ हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, आप सबको दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि गर्मी का समय, ज़्यादा बात नहीं करनी,
ज्यादा बात में समय लग जाएगा, आप भी गर्मी में बैठे। किसानों के पास गया, किसानों ने उसको कहा, लाल बहादुर शास्त्री था उस टाइम का प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं सोमवार का व्रत रखूंगा, मैं खुद प्रधानमंत्री भी सोमवार का व्रत रखा था। और किसानों को कहा कि आप अन्न पैदा करो, इस देश का पेट भरो, लड़ाई हम जीते। किसानों ने उसको ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी हम मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, 24 घंटे मेहनत करेंगे, इतना अनाज पैदा कर देंगे आपको पास रखने के लिए जगह मिलेगी। आज वह अनाज पैदा कर रखा, जिस किले में 10 मन अनाज होता 70 मन पैदा करा। सरकार जवाब देगी, रखने खातर जगह नहीं। बाजरा बोलिया बाजरा तो नट है, धान बोलिया धाना तो नट है, गेहूं बोलिया गेहूं तो नट है। अरे खगड़ो यो तो बता दो, बोवा के बाजरे तो भी नट गए, बोलिया 4000 देंगे, फिर धाना तो नट है। आपने उस टाइम पर जो वादा किया था और उस टाइम पर किसानों से खुश होकर प्रधानमंत्री ने नारा लाया था, जय जवान और जय किसान, और उसका नारा छोड़ के हमने नारे लाने शुरू कर दिए, जय उदा जय चौटाला जय खट्टर जय मोदी, जिसकी वजह से हमारी आत्मा भी मर गई, आत्मा के गेल हमारा शरीर भी मर गया, जिसकी वजह से हमने रोड़ा पर बैठना पड़ रहा, टेंट लाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी माताओं को रोड़ा पर बैठना पड़ रहा। ऐसी गलती दोबारा ना करियो, अपने नारे अपने बेटा के अपने घट तारे घट नारे तारे द्वारा तारे घट तारे नारे लगने चाहिए। देश में देश तारा, पेट ताम भरो, सुरक्षा ताम करो, तो पूरे मजबूती के साथ जय जवान जय किसान। हाथ को नहीं उठे कहीं, हाथ को नहीं उठे बांध रहे, इनकी गलती को नहीं जजक हो रही, इनका नुए को नहीं तारे भी नारे लाग सकेंगे, इनका जज दिए को नहीं, अब तारे नारे कौन ला होता, तारे तो बे मापन लिखे को नहीं रखे। मैं आपका बेटा आपका भाई आपको किस्मत में लिख रहा हूँ ये नारे, आप केवल लगाना शुरू करो, परमात्मा आपके नारे सुनेंगे, ब्रह्मांड में ये फ्रीक्वेंसी जाएंगी और ये फ्रीक्वेंसी लौट के आपके लिए खुशियाँ लाऊंगी, आपके बच्चों के लिए खुशियाँ लाएंगी। मजबूती के साथ नारा लाओ, नारा केवल ये नहीं ना तिलकी मारनी है, नारा एक मोटिवेशनल चीज होती है। जब कबड्डी का अपने कबड्डी का लड़ चलेगा तो थापी ला के चलेगा, देखा होगा, खुद को हौसला देने के लिए, हाँ मैं मजबूत हूँ नंबर लेके आऊंगा, यो आए थापी है, जो नारा हुआ है थापी है कि हाँ मजबूत है, दिल्ली से जीत की आएंगे। आपके खून का संचार बढ़ जाएगा, आपके रूम खड़े हो जाएंगे, आपको भगत सिंह याद आओगा, आपको चंद्रशेखर आजाद याद आओगा, आवा ना नारा लाना साची बता दे, बस यह है बात है, पूरी मजबूती के साथ जय जवान जय किसान जय किसान।